हनुमानगर प्रखंड के थलवारा पंचायत ब्रह्म टोला में श्री महादेव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कर शिवलिंग स्थापित किया गया। इस अवसर पर कलश शोभा यात्रा भी निकाली गई, जो सुबह पट्टी थलवारा का भ्रमण करते हुए पुनः मंदिर स्थल तक पहुंचा। चार बार जाता है हम लोग भगवान विष्णु के अवतार लेकर के पृथ्वी पर में धर्म की स्थापना करते हैं। राजराई धर्मश्व दान भरत निभाकर इस प्रकार से भगवान इस संसार सागर में नाना प्रकार के कार्यक्रम करके भगवान संसार के कल्याण के वास्ते अवतार लेते हैं। यहाँ पर मैं भगवान शिव का जो मंदिर का उत्थान हुआ है, इस मंदिर पर मैं भगवान भोलेनाथ का स्थापना प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ माँ पार्वती हनुमान जी कार्तिक और गणेश के साथ साथ अन्य बहुत। बुधवार को मैट्रिक परीक्षा विभिन्न प्रखंड के उच्च विद्यालय में आयोजित किया गया। वहीं दरभंगा जिला के कोचिंग संस्थान पर सवाल उठा कि कोचिंग से परीक्षार्थी संतुष्ट नहीं। कंटिन्यू क्लास अगर स्कूल में देल जाए तो अगर कोचिंग से ज्यादा मदद स्कूल से देते, मगर अभी टीचर की करे छे एक सब्जेक्ट बस थोड़ा सा एंड भी नहीं दे पावे छे, आराम से जाकर कुर्सी पे बैठे फोकट के पेमेंट जो का प्रारंभिक पढ़ाई ही बिगड़ गया। बुधवार को मैट्रिक की परीक्षा को लेकर लोगों को घंटों जाम में फंसकर परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो वहीं दूसरी तरफ जिसकी वजह से कई परीक्षार्थी समय पर परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंचे, जिसके लिए परीक्षार्थी को परिचारिका का फटकार सुनना पड़ा। वहीं जाम की स्थिति से परेशान एक युवक को बकचक हो गई और झड़प भी उठाना पड़ा। फैमिली के दो घंटा पहले हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे, काफी जाम का मामला था, यहाँ बहुत जाम लगा हुआ था। क्या नाम हुआ? मोहम्मद नसीम। ऑटो चालक अपने क्षमता से अधिक सवारी लोड कर चला रहे हैं, जो कि कानून अपराध। दरभंगा शहर में जाम की समस्या आम होती जा रही, वही खास तौर पर दसवीं के छात्रों को और अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। वही दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस इसको हटाने में परेशान है। इस बात को लेकर अब ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने खड़ी गाड़ी में लॉक लगाना शुरू कर दिया और चालान काटते नजर आए। स्टैंड के अलावे जहाँ अवैध रूप से टेम्पो खड़ा करके पसली उठाया जाता है, जिसके कारण आए दिन जाम लगे रहती है, उसी के निजात पाने के लिए हम लोग लोक मार रहे हैं और उसका चालान काटा जाएगा, फाइन किया जाएगा। छात्र संघ चुनाव की तैयारी को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर भोला चौरसिया ने मिथिला मंच न्यूज के संपादक को दी पूरी जानकारी। रहमगंज में बन रहे नाले से अब लोगों में थोड़ी बहुत राहत देखने को मिली। बुधवार से प्रारंभ हुए मैट्रिक की परीक्षा पहला दिन शांतिपूर्ण सम्पन्न हुई। वही बिहार में पहली बार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा इस बार दे रहे मैट्रिक के परीक्षार्थियों के जूते मोजे परीक्षा हॉल के बाहर ही खुलवा दिया गया। तो वही दूसरी तरफ राज हाई स्कूल के परीक्षा प्रभारी ने बताया कि इस वर्ष और भी कड़ाई एवं कदाचार मुक्त परीक्षा ली जा रही। वही प्रथम पाली में जहां 943 छात्र थे जिसमें 8 अब्सेंट रहे, एवं दूसरी पाली में 814 छात्रों में 9 अब्सेंट रहे। बुधवार को मिथिला विश्वविद्यालय के मैथिली स्नातकोत्तर विभाग मातृभाषा दिवस मनाया गया, वहीं जिसकी अध्यक्षता विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर अमन झा ने की। वहीं दूसरी तरफ आए अतिथियों को पाक चादर देकर सम्मानित किया गया। बुधवार को दरभंगा संग्रहालय सभागार में खिलाड़ी सम्मान सह अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि मौजूद थे, जिन्हें पाक चादर माला देकर सम्मानित किया गया। 20 फरवरी से आयोजित कामेश्वर सिंह मेमोरियल अस्पताल में राजकुमार शुभेश्वर सिंह की 72वीं जयंती के मौके पर बुधवार को दूसरे दिन होम्योपैथिक जांच शिविर के जरिए दूर दराज से आए लोगों की जांच कर निःशुल्क दवा दी गई। वहीं मरीजों को पिछले कई वर्षों से इस शिविर में अपना योगदान देते आए डॉक्टर फैजुल्लाह ने बताया कि प्रत्येक वर्ष इस शिविर के माध्यम से इलाज के लिए आए लोगों की इलाज करते आए हैं और सही इलाज और जाँच से कहीं न कहीं मरीजों का होम्योपैथिक पर विश्वास लगातार बढ़ता ही गया है। महाराजा धीराजवर कमलेश्वर सिंह की जयंती पर और आज उनके भतीजे महाराजा सुमेश सिंह की जयंती मनाया जाता है, जिसमें एक रोज एलोपैथ का कैंप लगता है और उसके सेकंड डे होम्योपैथ का कैंप लगता है, जहां होम्योपैथ की दवा मुफ्त प्रोवाइड किया जाता है महाराजा धीराज के चैरिटी हॉस्पिटल के थ्रू।
ये हॉस्पिटल नियमित रूप से सब दिन चलती है, 1:30 बजे से होम्योपैथ 4:30 बजे तक चलता है, जिसमें डॉक्टर MM बोले, सुमित बोले हर रोज यहाँ आते हैं और मरीज को देखे गरीब को फ्री इलाज करते हैं। और यहाँ ये आज कितने मरीजों को देखा है? आज अभी तक हम लोग ने 350 मरीज को अभी तक देख लिया है और सबको देख के दवा फ्री में प्रोवाइड कर दिया। खास तौर पर किस तरह की बीमारियाँ सामने आई हैं, दूर दराज से जो लोग आए हैं, किस तरह की अभी जो है उसमें सबसे ज़्यादा जो बीमारी आ रही है चर्म रोग का है, ब्लड प्रेशर का है, सर्दी खांसी बुखार का है और कुछ केस रूमेटाइटिस अर्थराइटिस ज्वाइंट पेन का आया है। सिंहवाड़ा प्रखंड के भराठी पंचायत के गौरा गांव में बैंड बाजा के साथ आई बारात के साथ दूसरे समुदाय के लोगों ने मारपीट की, जिस कारण सिमरी पुलिस थाना के अलावा महिला पुलिस समेत दंगा विरोधी दस्ता वहां कैंप कर रहा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर समझा बुझाकर बारातियों को दरवाजा पर पहुंचाया। चौकीदार महेंद्र पासवान के फर्द बयान पर 16/18 प्राथमिकी दर्ज की गई, वहीं दूसरी तरफ जिसमें महिला पुरुष समेत 18 लोगों को नामजद किया गया। समस्तीपुर में सरकारी बस पर आपका पशुपालक किसान सेवा संघ के बैनर तले 3 सूत्री मांग को लेकर पशुपालक संघ के संयोजक पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए। वहीं पशुपालक किसानों के इस सत्याग्रह को कई सामाजिक संगठनों ने भी अपना समर्थन दिया। इस अनिश्चितकालीन धरना के 3रे दिन सैकड़ों पशुपालक किसानों ने सत्याग्रह स्थल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अर्थित जुलूस निकाला। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने समस्तीपुर पटना मार्ग को जाम कर दिया। वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी किसान पशुपालक किसान के ऋण को अविलंब माफ करने, भारत सरकार के द्वारा अलग से पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग का गठन करने और दूध की गुणवत्ता का मानक SNF को नए सिरे से समीक्षा कर दूध का लाभकारी मूल्य घोषित करने की मांग कर रहे हैं। ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिलिंग पूर्व मध्य रेल के आह्वान पर आज समस्तीपुर रेल मंडल के सामने सैकड़ों रेलवे गार्ड्स के द्वारा प्रदर्शन किया गया। वहीं धरना कार्यक्रम से समस्तीपुर रेल मंडल के सभी 5 मुख्यालयों से आए रेलवे गार्ड्स ने हिस्सा लिया। धरना दे रहे रेलवे गार्ड्स रनिंग स्टाफ के न्याय संगत भत्ते को लागू करने, NPS को वापस लेकर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने, EOTT को रद्द करने और सरकार की मजदूर विरोधी नीति खत्म करने जैसे मुद्दों को लेकर धरना दिया गया। बिरौल ओंकार हाई स्कूल के प्रांगण में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत रोजगार मेला का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 1164 युवा एवं युवतियों ने रोजगार पाने के लिए आवेदन दिए, जिसमें कुल 382 युवा एवं युवतियों का चयन किया गया। वही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि BDO रजत किशोर सिंह ने उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि अगले योग्यता एवं दक्षता एवं रुचि के अनुसार हर व्यक्ति को काम करना चाहिए। आगे उन्होंने ये भी कहा, जीविका की दीदी समाज में इतिहास लिखने का काम कर रहे हैं। क्योटी प्रखंड के दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारा 1 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन गेना लाल साहू मध्य विद्यालय खिरमा पथरा में किया गया। वहीं बच्चों के शारीरिक तथा मानसिक विकास के लिए विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें 100 मीटर 200 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता, सुई धागा दौड़, सेब दौड़, बिस्कुट दौड़, धीमी साइकिल तथा क्रिकेट आदि प्रतियोगिता में बालक तथा बालिकाओं ने हिस्सा लिया। क्योटी प्रखंड ग्राम कचहरी सचिव संघ की बैठक क्योटी पंचायत भवन परिसर में अध्यक्ष हीरालाल यादव की अध्यक्षता में हुई। इसमें आगामी 13 मार्च को पटना के श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल में आहूत राज अधिवेशन को सफल बनाने के मुद्दे पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में जिला उपाध्यक्ष जय नारायण सहनी, रौदी राम, राम दुलारी कुमारी, मोहम्मद अबुल कलाम, रेखा कुमारी, राम गणेश प्रसाद, कैलाश कहार, साघु शरण दास, शशि भूषण प्रसाद सहित कई लोग मौजूद थे। युवा जदयू के जिला अध्यक्ष डॉक्टर मंजूर आलम राई ने बैगमपुर गांव निवासी इफ्तेखार अहमद उर्फ आरजू को जिला सचिव मनोनीत किया। चोटी पुलिस ने दरभंगा जयनगर NH 105 में थाना के समीप पुअनी उदय शंकर के नेतृत्व में पुलिस बलों के साथ वाहन चेकिंग अभियान चलाकर हेलमेट नहीं रहने के कारण 2 बाइक चालकों से 1200 रुपये जुर्माना वसूला। साथ ही बाइक चालकों को हेलमेट नहीं रहने को लेकर होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दिए।
वहीं कई बाइक चालकों से हेलमेट पहनने के बजाय हाथ में लेकर चलने वाले को फटकार लगाई और डबल जुर्माना की चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। मधुबनी जिले के लखनौर प्रखंड के दीप गांव में एक 20 वर्षीय पूजा देवी बंद घर में मृत पाई गई, जिसे पुलिस मौके पर पहुंचकर सबको बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। मृतिका की सास ने बताया कि बगल में शादी था, हम लोग वहां गए थे, जब हम लौटे तो सात पारस लेकर आए और उनको कमरे में जाकर आवाज दिए, जब नहीं खोली तो धक्का देकर गेट खोले तो बहू को पंखा से लटका हुआ पाया। एलिए खा के लगा कहने चले जो भानस नहीं करी है कलिए आब तो हम अहाँ का उठा दे जहाँ कि 3 बजे भोर में हम एलिए कलिए देखिए ये कनिया उठू ना ये कनिया उठू ना तो नहीं उठले तो इनका चौकट के ढिल्ला छिटके हम ओकरा खुजूर जना रेड़ रेड़ के देखलिए कलिए कि खोल दे तो बच्चा का। वही दूसरी तरफ मृतिका के माता पिता ने अपनी बेटी बताने से इनकार किया, आरोप लगाना दूर की बात। बुधवार से मैट्रिक परीक्षा का महाकुंभ शुरू हो चुका। समस्तीपुर जिले में मैट्रिक परीक्षा को लेकर सभी 4 अनुमंडल मुख्यालय में 75 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां कुल 78,741 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जिसमें 37,799 छात्र और 40,942 छात्राएं शामिल है। मैट्रिक की इस परीक्षा में 4 आदर्श परीक्षा केंद्र बनाए गए, जहां परीक्षार्थियों के लिए सभी सुविधाएं मुहैया कराए गए। वहीं इन परीक्षा केंद्र को गुब्बारे और फूलों से सजाए गए। परीक्षा के पूर्व बोर्ड के द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार जूता मोजा पहनकर आए छात्रों को हॉल के बाहर ही जूता खुलवाकर प्रवेश दिया गया। कोई भी बच्चे जूता पहन के नहीं आएंगे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा स्पष्ट निर्देश पत्र जारी कर दिया गया है, आपको आज प्रथम दिन जूता बाहर में खुलवाया जाएगा, कल से जूता पहन के नहीं आना है। और दूसरी बात बोर्ड ने जो दिया है कि प्रत्येक बच्चे को 9:20 तक पहुंच जाना।